हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एम्पुटेशन। ओके, सो इफ यू न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट डिफिनेशन, सेकंड इंडिकेशन, थर्ड टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, फिफ्थ मैनेजमेंट, ओके, एंड सिक्स्थ नर्सिंग डायग्नोसिस। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो क्या है टॉपिक मेरा? एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एम्पुटेशन। अगर नॉर्मल टर्म में एम्पुटेशन को बोला जाए तो ये क्या कहा जा सकता है कि अगर हमारे एक्सटर्नल बॉडी से हमारे कोई भी पोर्शन को कट आउट करके रिमूव कर दिया जाए तो उसे एम्पुटेशन कहते हैं। ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है? द रिमूवल ऑफ द लिम्स, पार्ट ऑफ द लिम्स और एनी अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेस्ट और रेक्टम इज कॉल्ड एम्पुटेशन। क्या कह रहा है? द रिमूवल ऑफ द लिम्स। लिम्स मींस हमारे बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। हमारे जो पेल्विक गर्डल है उससे जो निचला पोर्शन हो गया वो सब क्या हो गया? लोअर लिम्स। और उससे अपर का पोर्शन क्या हो गया? अपर लिम्स। अपर लिम्स में कैसा आ गया? हमारा शोल्डर आ गया, हैंड्स आ गया, और लोअर लिम्स में क्या आ गया? हमारा लेग्स आ गया। तो हमारे अपर लिम्स या लोअर लिम्स में से कोई भी पोर्शन को कट आउट करके, जैसे ये हैंड है, अपर लिम्स के ये हैंड हुआ, उसको कट आउट करके रिमूव कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एम्पुटेशन। अगर लोअर लिम्स में देखा जाए तो उसमें अगर हमारे लेग को कट आउट करके रिमूव कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एम्पुटेशन। ओके, या हमारे अपर लिम्स या लोअर लिम्स में से अगर ये हैंड है उसका ये पोर्शन भी कट, जैसे ये फिंगर है उसको भी कट आउट करके रिमूव कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एम्पुटेशन कहा जाएगा। ओके, अगर पैर में भी उसका फिंगर्स को कट आउट करके रिमूव कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एम्पुटेशन। ओके, ईटीज सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। क्या है ये? सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट इसका क्या देख सकते हैं? इंडिकेशंस देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज इन डायबिटिक मिलाइटस। ये क्या कह रहा है? पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जैसे जो हमारा आर्टरीज है एंड वेन्स है उसमें डायबिटिक मिलाइटस की वजह से उसमें कोई डिजीज हो गई, जैसे ऑर्थोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है? जो हमारा वेन होता है उसका नैरो हो जाता है। क्या होता है? वेन, हमारा वेन नैरो हो जाता है। जब वेन हमारा नैरो हो जाएगा तो उससे क्या होगा? जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। और मान लीजिए इसमें ये हमारा वेन इसमें गया है, ठीक है, हैंड में, और इसका वेन में क्या हुआ? वो नैरोइंग और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। तो उस कंडीशन से क्या होगा? जो हमारा वेन या आर्टरी है उसमें क्या होगा? नैरोइंग हो जाएगा। तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा या रुक जाएगा। ज़्यादा नैरोइंग होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो उस कंडीशन से हमारे ये पोर्शन को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब सही से इस पोर्शन को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ये अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। मीन्स इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिशन या फूड्स है हमारे ये पोर्शन को किससे मिला? ब्लड से मिला, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करेगा? सही से फंक्शन नहीं करेगा। जब ये सही से फंक्शन नहीं करेगा तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन कॉज होगा। इस वजह से ये डॉक्टर इसको क्या करेगा? कट करके। ऐसा कंडीशन आ जाएगा, बहुत दिन इस तरह का चलता रहा प्रोसीजर तो ऐसा कंडीशन आएगा कि इसको डॉक्टर इसको कट करके रिमूव करने के कर देगा। ओके, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? सीवियर ट्रॉमा। क्या होगा? सीवियर ट्रॉमा, जैसे हम ले सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, जैसे हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उससे क्या हो गया? पूरा पोर्शन उसका खत्म हो गया। मीन्स क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसका वेन आर्टरी सब डैमेज कर गया, तो ये इससे और इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या करेगा? डॉक्टर इसको कट करके रिमूव कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? कंजेनाइटल डिफॉर्मिलिटी। कंजेनाइटली मतलब एट बर्थ, मतलब जन्म के समय से ही पर्सन को क्या होगा? डिफॉर्मिलिटी हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 5 फिंगर है किसी का, तो कोई का 6 फिंगर आ गया। ओके, और वो अपना सही 6 फिंगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें सही से फंक्शन वो नहीं कर पा रहा है। उस वजह से अगर उसमें इन्फेक्शन किसी तरह कॉज हो गया तो वो इन्फेक्शन ये 5 फिंगर में ना फैले, तो इसलिए क्या करेगा डॉक्टर उसको काट करके रिमूव आउट कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या करें मैलिग्नेंट ट्यूमर, दो तरह के ट्यूमर पढ़े हैं हम लोग, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये पोर्शन में हुआ, मान ये पोर्शन में हुआ, बॉडी के ये पोर्शन में हुआ तो यहीं पर इंक्रीज करेगा, ये फैलेगा नहीं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो यहाँ पर हुआ तो आगे बढ़ के भी आगे होता ही रहेगा। तो उस वजह से क्या कहता है डॉक्टर, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है हमारे पोर्शन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो हमारे बॉडी में और आगे ना फैले, इसलिए क्या करेगा डॉक्टर यहाँ से इसको कट करके हटा देगा। किस वजह से, क्योंकि ये हमारे बॉडी में और आगे फैल नहीं पाए। ओके, अब नेक्स्ट है ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन। अगर बोन में कहीं पर ऑस्टियोमाइलाइटिस, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले हम लोग ये देखते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, बोन में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कॉज करेगा, उससे क्या कहता है ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। तो इस वजह से अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, मतलब ये पोर्शन में इन्फेक्शन कॉज किया है, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कॉज किया है, इस वजह से जो इन्फेक्शन और हमारे बॉडी में स्प्रेड आउट नहीं कर पाए, मीन्स फैले नहीं, तो क्या करेगा डॉक्टर उसको हटा देगा कट करके। ओके, नेक्स्ट क्या, टू रिलीव सिम्टम, इम्प्रूव फंक्शन एंड सेव और इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट को सिम्टम से बचाने के लिए, रिलीव करने के लिए, जो उसका बार बार सिम्टम पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार हो रहा है, तो उस वजह से और वो सिम्टम और इन्फ्लामेशन पूरा बॉडी में ना फैले, इसलिए डॉक्टर क्या करेगा उसको काट आउट करके रिमूव कर देगा। ओके, और इम्प्रूव फंक्शन सेव और इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे क्या होगा पेशेंट का क्वालिटी और लाइफ सही हो जाएगा, वो बार बार परेशान नहीं हो पाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन। ओके, ये 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट क्या होता है ओपन होता है, सेकंड क्या होता है क्लोज्ड होता है। ओपन को और क्या नाम से जानता है गुइलोटिन, और सेकंड जो क्लोज है उसको क्या नाम से जाना जाता है मायोब्लास्टिक या फ्लैट एम्पुटेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या देखते हैं ओपन एम्पुटेशन देखते हैं। ओपन एम्पुटेशन किसे कहेंगे, जो कोई भी लिम्स को कट करके हटा दिया, जैसे मान लिया यहाँ पर से कट करके हटा दिया गया ये पोर्शन को, तो ओपन क्यों छोड़ा जाता है, ओपन इसलिए छोड़ा जाता है कि मान लिया यहाँ पर बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, क्या इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो गया है, क्या होगा पस का फॉर्मेशन हो गया, तो वो पस का फॉर्मेशन जो हुआ है उसको ड्रेनेज करने के लिए यहाँ पर क्या क्या ड्रेनेज किया जाता है, कुछ दिन छोड़ कर कट करके छोड़ दिया जाता है, जिससे जो यहाँ पर का जो पस है वो निकल जाता है और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन तो चल ही रहा है, और साथ में जो इन्फेक्शन है वो और बॉडी में फैले नहीं, इसलिए ओपन एम्पुटेशन किया जाता है। ओके, और क्लोज एम्पुटेशन कब किया जाता है, क्लोज एम्पुटेशन इसमें क्या कहता है, क्लोज में या फ्लैप करके बैंडेज किया जाता है, मीन्स देखिए फ्लैप ऑफ स्किन, इसको क्या कहता है जो लिम्स को कटआउट किया गया, यहाँ पर कटआउट किया उसको बैंडेज के द्वारा क्या कहता है फ्लैप किया जाता है, या प्लास्टर के द्वारा उसको फ्लैप किया जाता है, मीन्स उसको बांध दिया जाता है। ओके, और कुछ दिन बाद वो जो स्किन है वो एक ही कलर में आ जाता है, बांधने से वो अपना एक नॉर्मल कलर में आ जाएगा। ओके, इसलिए ओपन और क्लोज किया था। अब ओपन देख लेते हैं क्या कह रहा, यूज विथ इन्फेक्शन एंड फॉर पेशेंट हु आर पुअर सर्जिकल रिस्क। क्या कह रहा, जिसको इन्फेक्शन हुआ है और उसको सर्जिकली पुअर सर्जिकल रिस्क है, मीन्स इन्फेक्शन की वजह से ऊपर जो पस का फॉर्मेशन हो इसकी वजह से ओपन एम्पुटेशन किया जाता है। सेकेंड क्या कह रहा है, बॉन्ड हील विथ ग्रेनुलेशन ओवर टाइम और सेकेंडरी क्लोजर फर्स्ट वीक लेटर। क्या कुछ दिन के लिए ओपन छोड़ा जाता है, ठीक है, जब पास वहाँ पर से हट गया और इन्फेक्शन जो वहाँ पर एंटी माइक्रोबियल तो मेडिसिन चल ही रहा है पर्सन को, तो वहाँ पर से जो इन्फेक्शन वो भी खत्म हो गया, तो उसके बाद उसको बैंडेज कर दिया जाता है, क्या कहते हैं बैंडेज कर जाता है, तो हो गया फर्स्ट वीक बाद, मतलब एक आध सप्ताह बाद उसको फिर से बैंडेज कर जाता है। अब सेकंड क्या देखते हैं, क्लोज देखते हैं। क्लोज क्या कह रहा है, रेसिडुअल लिम्स इज कवर बाय ए फ्लैप ऑफ स्किन, जो ये यहाँ से कट कर गया था, इतना जो रेसिड्यू बचा इधर तो उसको क्या फ्लैप कर देगा, क्या करेगा फ्लैप करेगा, मीन्स इसको बांध दिया जाएगा और उसको सूचर किया जाएगा। फ्लैप ऑफ स्किन इज सूचर पोस्टेरली, क्या करेगा उसको फ्लैप करके उसको ऊपर सूचिंग कर दिया जाएगा, क्या करेगा सूचर किया जाएगा, मीन्स जो कहा तो टाका स्टिचिंग कर दिया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग देखते हैं। फर्स्ट क्या सॉफ्ट ड्रेसिंग और सेकेंड क्या क्लोज रिजिड प्लास्टिक ड्रेसिंग। तो सॉफ्ट ड्रेसिंग क्या कहता है, सिक्योर विथ इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक जो बैंडेज होता है, जो नॉर्मल बैंडेज होता है, उससे क्या कर दिया जाता है, उसको बैंडेज कर दिया जाता है। ओके, अब जो है सेकंड क्या रहा, क्लोज रिजिड प्लास्टर ड्रेसिंग सिक्योर विथ प्लास्टर। प्लास्टर के द्वारा, जैसे उसमें क्या यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, जो पक्का प्लास्टर होता है। ओके, उसमें क्या यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, जिसको वहाँ पर मजबूत हो जाता है। क्या होता है, मजबूत पत्थर की तरह बन जाता है। और सो वो जो वहाँ पर जो लिम्स रहेगा, जो काट उट करके तो हटा गया, और जो रेसिड्यू बचेगा वो वहाँ पर हिलेगा नहीं। उससे क्या होगा, अपनी जगह पर से हिलेगा नहीं, अपने पोजीशन पर से, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें देखते हैं पहला प्री ऑपरेटिव केयर, और सेकंड क्या देखेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर। ओके, क्या करें, टू रिलीफ एंजाइटी। क्या करना, पेशेंट को जो एंजाइटी हो रहा है उससे उसको रिलीफ देना है। जो ऑपरेशन होने वाला है, उसका जो सर्जरी होने वाला है, उससे क्या हो रहा है, उसको एंजाइटी हो रहा है। मीन्स उसको लग रहा है मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में मेरा आगे। तो वो सब जितना जो एंजाइटी उसको है वो रिड्यूज करना है, उसको मोटिवेट करना है कि आपको इस तरह का कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह कह के उसको मोटिवेट करना है पेशेंट को। ओके, सेकेंड क्या कह रहा है, टू रिड्यूज पेन। और पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसका पेन को रिड्यूज करना है, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करके उसका जो पेन है वो रिड्यूज करना है। जो डॉक्टर जो एनाल्जेसिक एडवाइज किया है वो पेशेंट को देकर के उसका जो पेन है उसको रिड्यूज करना है। ओके, टू इंक्रीज मोबिलिटी। क्या करना है, उसका मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। उसको जैसे है कि उसको डिप्रेशन जो हो रहा है, उसको टेंशन हो रहा है कि हमको सर्जरी हो जाएगा तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस तरह के जो चेंजेज है उसको, थॉट्स है वो चेंज करना है उसका। ओके, टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन। उसका जो न्यूट्रिशन है, उसका डाइट पैटर्न है, उसको सही करना है। उसका जो न्यूट्रिशन है उसको सही करना, उसको हर तरह का फैट्स, विटामिन, मिनरल्स प्रोवाइड करवाना है। ओके, प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव टीचिंग। उसको क्या करना, प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रोवाइड करना। मीन्स कहने का मतलब है उसको जो जितना एंजाइटी हो रहा है, ओके, जो उसका जो लग रहा है कि हमको जो सर्जरी के बाद मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो उसको वो जो उसको टीच करना है कि आपको इस तरह कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जैसे नॉर्मल है उस तरह ही रहिएगा, आप जो नॉर्मल वर्क करते हैं उस तरह ही वर्क आप कीजिएगा, उसका फंक्शन में आपको कोई तरह का डिफॉर्मिलिटी या चेंजेज नहीं आएगा, उस तरह उसको टीच करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू गिव जनरल प्री ऑपरेटिव केयर। पेशेंट को क्या करना है, प्री ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना है। जैसे डॉक्टर जो एडवाइस किया है, जितना उसको मेडिसिन एडवाइस किया है वो पेशेंट को देना है, टाइम टू टाइम देना है पेशेंट को, और उसका केयर प्रोवाइड करना है। जैसे काम एंड पीस इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करवाना है। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड रेनल सिस्टम। उसका इवैल्यूएट करना है, कार्डियोवास्कुलर को उसका कोई डिजीज नहीं है वो देखना है, रिस्पायरेटरी का उसको किसी तरह का डिजीज नहीं है वो देखना है। ओके, रीनल सिस्टम जो रीनल है उसमें किस तरह का डिजीज नहीं है उस तरह का उसको वॉच करना है। ओके, और उसका केयर प्रोवाइड करवाना है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखते हैं। ओके, ये पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और मोनिटर्ड। उसका जो कॉम्प्लिकेशन उसको मोनिटर्ड करना है। ओके, वॉच करना है। जैसे हेमरेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, नॉन हीलिंग बॉन्ड हो गया, जैसे उसको जब पोस्ट ऑपरेटिव किया, जब सर्जरी के आफ्टर डेट उसमें किसी तरह का क्या क्या चेंजेज आया, जैसे उसको ना हेमरेज हो रहा है वो हम लोग वॉच करना है। सेकंड के इन्फेक्शन जो पोर्शन पास उसका जो सर्जरी हुआ वो जो कट आउट करके रिमूव कर दिया गया उस पोर्शन को वॉच करना है कि वहाँ पर इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा उसकी वजह से, और इस इन्फेक्शन तो फैल नहीं रहा है वो वॉच करना है। सेकंड नॉन हीलिंग बॉन्ड, उसका जो बॉन्ड है, जो घाव वहाँ पर जो कट आउट हुआ है वो सही से अपना भर रहा है या नहीं भर रहा है वो वॉच करना है। सेकंड क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ बॉडी इमेज चेंजेस शुड बी प्रमोटेड। उसका बॉडी इमेज, उसका जो बॉडी में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, ओके, सर्जरी के बाद उसका बॉडी में क्या क्या चेंजेज हो रहा है वो हम लोग को वॉच करते रहना है पेशेंट को टाइम टू टाइम। ओके, टू मिनट फ्लूइड बैलेंस। पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना है, उसको कम नहीं होने देना है, बैलेंस उसको रखना है। ओके, मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। पेशेंट है उसका टिश्यू का परफ्यूजन देखते रहना है कि वो जहाँ पर जो उसका सर्जरी है वहाँ पर का टिश्यू डेथ नहीं कर रहा है, वहाँ पर सही से उसका न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो सब हम लोग को वॉच करना है। नेक्स्ट क्या है, गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट में उसको बताना है कि आपको जो लाइफ स्टाइल है वो आपका में उस तक किसी तरह का चेंज नहीं रहेगा। आप जैसे पहले वर्क करते थे उस तरह का ही फंक्शन आप कीजिएगा, अपना रेगुलर लाइफ स्टाइल आपका चलते रहेगा। ओके, इस तरह को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा, आपको इस तरह का कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। टू कंट्रोल पेन, उसका पेन को कंट्रोल करना है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है तो वो एनालिसिस देकर उसको कंट्रोल पेन को कंट्रोल करना है, या उसको डाइवर्सनल थेरेपी देकर, जैसे उसको सॉन्ग सुनाकर उसको जो जहाँ पर पेन हो रहा उससे उसको डाइवर्ट करना है उस जगह से उसको। ओके, जैसे हम उसको जैसे सामने उसको टीवी दिखाएंगे उसको देखने के लिए, या सॉन्ग सुनाएंगे, अच्छा सॉन्ग उसको सुनाएंगे जो उसका सॉन्ग अच्छा लगता है उस तरह का सॉन्ग उसको प्रोवाइड करवाना है, सॉन्ग सुनाना है, जिसको जो पेन है उससे उसको दिमाग जो है उससे कहीं और चला जाएगा और उसको पेन से रिलीफ हो जाएगा। टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटीज, उसको प्रमोट करना है फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। उसको रेगुलर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाना है, उसको चलने के लिए बोलना है। उससे क्या होगा, उसका बॉडी का एक्टिविटी सही रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।